देखिए आज राजकीय श्रमिक दिवस है और आज हम इस श्रमिक दिवस को बहुत उत्साहपूर्वक मना रहे हैं, लेकिन आपके उत्साह का आभास होना चाहिए, जानकारी मिलनी चाहिए सभी को। देखते हैं कैसे। भारत माता की, थोड़ा और उत्साह दिखाओ। भारत माता की, भारत माता की। भगवान श्री विश्वकर्मा जी महाराज की, भगवान श्री विश्वकर्मा जी महाराज की। मंच पर विराजमान भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री माननीय राव इंद्रजीत सिंह जी, हरियाणा सरकार के हमारे श्रम एवं कल्याण विभाग के राज्य मंत्री श्री अनूप धानक जी, विधायक हमारे सोना से श्री संजय सिंह जी, मेयर गुरुग्राम से बहन मधु आजाद जी, श्रम विभाग के हमारे अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री राजशेखर वुंडरू जी, सभी अन्य प्रशासनिक अधिकारीगण, श्रमिक संगठनों के सभी पदाधिकारीगण और मेरे प्यारे श्रमिक भाइयों बहनों, उपस्थित पत्रकार छायाकार बंधुओं व कलाकार मित्रों, जैसा हमको जानकारी है कि आज जिसको हम राजकीय श्रमिक दिवस इस नाते से 17 सितंबर इसको मनाते हैं। आपको ध्यान में होगा कि 5 वर्ष पहले 2017 में हमने ये घोषणा की थी सोनीपत में कि ये दिन हमेशा राजकीय श्रमिक दिवस ये मनाया जाएगा। आज 2 साल बीच में कोविड के कारण से तो हम नहीं मना सके, लेकिन लगातार ही श्रमिक दिवस पर हम कार्यक्रम कर रहे हैं। इस अवसर पर मैं सभी श्रमिकों को, क्योंकि एक दूसरा महत्व भी है, आज का दिन राष्ट्रीय श्रमिक दिवस इसलिए मनाया कि दुनिया के सबसे बड़े शिल्पकार, सबसे बड़े जिनको कहना चाहिए कि निर्माता, जिनको भगवान के नाम से मानते हैं, भगवान श्री विश्वकर्मा जी का भी आज जयंती का दिन है। मैं इस अवसर पर सभी श्रमिकों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। थोड़ा गूंज रही है ज्यादा आवाज। और इसी दिन, जिसका राव साहब ने भी जिक्र किया, हमारे लिए और एक बड़ा महत्व इस देश के लिए है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो स्वयं कर्मयोगी हैं, हम भी कर्मयोगी हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री कर्मयोगी हैं, ऐसा लगता जैसे हमारे बीच से ही आगे बढ़े हुए देश को, राजगद्दी को सुशोभित करने वाले, लेकिन सेवा भाव से करने वाले ऐसे प्रतिष्ठित, दुनिया में प्रतिष्ठित आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी आज जन्मदिन है। इस अवसर पर मैं आप सब की ओर से, अपनी ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वे दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें और इसी प्रकार से भारत देश का नाम दुनिया में ऊंचा करते रहें, यह मेरी ओर से प्रार्थना है। आज का दिन एक और महत्वपूर्ण दिन भी है जिसकी चर्चा शायद बहुत लोगों को नहीं पता होगी। देश की एकता अखंडता, जब देश आजाद हुआ था 550 से ऊपर रियासतें थी उस समय, अंग्रेज ने सभी रियासतों को यह कह दिया था चाहे तो आप अपना संविधान बना लें और अपनी रियासत को स्वतंत्र घोषित कर लें, या जो भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत में जो सरकार बनेगी आप उसके अंतर्गत एक संघ के रूप में आप उसमें शामिल हो जाएं। बहुत लोगों को जानकारी है कि केवल 3 रियासतें छोड़कर सभी रियासतों को सरदार वल्लभ भाई पटेल जो उसमें होम मिनिस्टर थे, उन्होंने मना लिया था कि हम सब भारतीय संविधान के अंतर्गत
काम करेंगे और एक मजबूत देश के नाते आगे बढ़ेंगे। केवल तीन रियासतें ऐसी थी, हैदराबाद रियासत, जूनागढ़ रियासत और कश्मीर रियासत। इन तीनों ने थोड़ी हिचक दिखाई, प्रारंभ में नहीं माने, देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के जिम्मे लगा कि इन तीन रियासतों को भी मनाओ। दो रियासतें गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल लोह पुरुष उनके जिम्मे लगी, एक रियासत प्रधानमंत्री श्री नेहरू जी के जिम्मे लगी। देखिए आश्चर्य की बात कि दोनों रियासतें जूनागढ़ भी और हैदराबाद भी, इनको किसी भी प्रकार से तैयार कर लिया। हैदराबाद आसानी से तैयार नहीं हुआ, थोड़ा कठोरता भी करनी पड़ी और हैदराबाद के निजाम के जो रजाकार थे उनको भी एक प्रकार से उनको हार कराई और हैदराबाद का लिबरेशन वो आज ही के दिन 17 सितंबर 1948 उस दिन हैदराबाद लिबरेट हुआ था। आज हैदराबाद लिबरेशन डे है, देश की अखंडता का एक अगला कदम भी इस दिन आज बढ़ा था। मित्रों भाइयों बहनों, मैं इस अवसर पर सभी हमारे श्रमिक भाई, जो हमारे उद्यमी, जिन लोगों को आज पुरस्कृत किया गया है, ऐसे 15 उद्यमी और 20 श्रमिक जिनको श्रमिकों को पुरस्कार भी आज दिया है, श्रम रतन 1,00,000 रुपया, श्रम भूषण 1,00,000 रुपया और श्रम वीर इनको 51,000 रुपये ये सबको दिए गए हैं, इन सबको भी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। ठीक कहा भगवान विश्वकर्मा जी के बारे में, कहते हैं कि देश और दुनिया के, देश के नहीं दुनिया के, वो सबके सब पहले इंजीनियर थे और इंजीनियर होने का मतलब एक प्रकार का जो आज विकास हो रहा है, जिसमें निर्माण होता है, इस विकास का सूत्रधार वो इंजीनियर होता है, वो कलाकार होता है, वो शिल्पी होता है, जो चीज को रॉ मटेरियल को किसी भी रूप में घड़ता है। मनुष्य जब भी कभी उसने अपना जिंदगी शुरू की होगी तो कुछ ना कुछ निर्माण किया होगा, चाहे वो मिट्टी से ही शुरू किया होगा, मिट्टी के बर्तन बनाए होंगे, फिर बाद में लकड़ी से शुरू किया होगा, लकड़ी के भी तरह तरह के औजार बनते हैं, तरह तरह के रहन सहन के हमारे साधन बनते हैं, हमारे घर की छत लकड़ी की बनती है, हमारे औजार लकड़ी के बनते हैं, फिर बाद में जो मेटल आया लोहे की चीजें बनने लगी होंगी। तो ऐसे ही सारी चीजें बनाने का काम वो हम सब श्रमिक वर्ग के जो हमारे पुरोधा हैं, हमारे जो आदर्श हैं, उन्होंने शुरू किया और श्रमिकों ने उस चीज को वहां से लेकर के आज तक चलाया। यानी हमारे जीवन में एक भाव आता है कि हमने सुई से लेकर के जहाज तक बनाने में अपनी भूमिका निभाते हैं, हम अपनी भूमिका निभाते हैं। श्रमिकों के बिना यानी इस किसी भी देश की, किसी समाज की, किसी प्रदेश की, जिले की, गांव की, घर की तरक्की नहीं हो सकती। अगर घर का भी मैं उदाहरण लगाऊं तो ईंट से लेकर के बड़ी इमारत तक ये सब हम बनाते हैं। हम खुद तो शायद कच्चे घर में रहते होंगे, लेकिन जो बड़ी बड़ी अटालिकाएं, बड़ी बड़ी इमारतें बनाते हैं वो हमारे हाथों से बनती हैं। इस प्रकार का गर्व भी हमको है। अभी सारे समाज के बारे में विचार करते समय जरूर विचार किया जाता है कि हमारे समाज की शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सुरक्षा है, स्वावलंबन है, अपने पैरों पर खड़े हों, इन सब बातों का विचार हमारी सरकारें भी करती हैं, हमारे जो संगठन हैं, क्योंकि आखिर हमारे ऐसे संगठन भी है जिनका हम प्रतिनिधित्व करते हैं, वो भी लगातार चिंता करते हैं, समय समय पर जो उनके साथ वार्तालाप होती है, इन सब बातों की चिंता करके सरकारी योजनाएं या उद्योगपतियों के साथ बैठ करके वहां की योजनाएं ये सब बनाई जाती हैं। तो इस नाते से मिलजुल करके हम केवल श्रमिक, अकेला श्रमिक नहीं है, हमारे साथ काम करने वाले हमारे श्रमिक संगठनों के चाहे पदाधिकारी हैं, उद्योगपति हैं, सरकारें हैं, चाहे केंद्र सरकार हो, प्रदेश सरकार हो, अन्य संगठन, एनजीओ, गैर सरकारी संगठन, ये भी श्रमिकों के हित में बहुत काम करते हैं। मित्रों इसलिए हमारा एक परिवार है, इस परिवार को हमको एक साथ मिलकर के काम करना है। जैसा कहावत कहते हैं ना, सत्यमेव जयते, यानी सत्य जो है वही हमेशा जीवन का एक अंग है। स्वामी विवेकानंद ने कहा सत्यमेव जयते नहीं, श्रमेव जयते, श्रम भी जो है वो जीवन है, श्रम के बिना व्यक्ति अधूरा है, वो श्रम करेगा,
श्रम करने की कला उसके पास आएगी, तभी वो जीवन में एक अच्छे नागरिक के रूप में आगे बढ़ेगा। तो इस प्रकार के श्रम करने की जो कला का सीखने की जो हमारी शिल्प कला है, जो हमारा एक प्रकार का निर्माण करने की कला है, हमारा कौशल, ये आज से नहीं है, आदि काल से है। भारतवर्ष कहें तो सबसे ज्यादा प्राचीन ऐसा देश है जो कलाकारों के माध्यम से बहुत सी इन्होंने चीजों का, आज हम प्राचीन इमारतें अपने यहां देखते हैं। आज सभ्यता के ऐसे अंश जो जमीन के अंदर खुदाई करने के बाद निकलते हैं। हमारे अभी मैं पिछले दिनों में गया था राखीगढ़ी एक स्थान, आर्य सभ्यता के उस समय के अंश, जब सरस्वती नदी उस समय बहती थी उसके किनारे जो बसे हुए शहर, आज वो दब गए किन्हीं भी कारणों से, वो उस समय धरती पर नहीं है। लेकिन नीचे निकलते हैं उतने ही सुंदर मकान बने हुए हैं, उसी प्रकार का डिजाइन, तरह तरह की ईंटें, तरह तरह का वहां सामान निकलता है, बड़े बड़े घड़े निकल करके नीचे से आया, पूरे साबुत के साबुत प्रदर्शनियों में रखे जाते हैं। और हम जब गुलाम हुए थे उस समय बहुत सी ऐसी कलाकारों की कृतियां विदेशी आक्रांता यहां से निकाल करके ले गए थे अपने अपने देशों में, चाहे वो मुगलों के शासनकाल में रहा हो, चाहे अंग्रेजों के शासनकाल में रहा हो, बहुत सी कलाकृतियां बाहर लेकर के गए थे। आज दुनिया के अंदर जो हमारे भारतीय वहां जाते हैं, भारतवर्ष की बहुत सी चीजें आज उपलब्ध वहां होती हैं कि कहां से लाए थे, भारतवर्ष से लाए थे। तो इसलिए हमारा जो कलाकार कारीगर शिल्पी, इसका बहुत बड़ा इस देश के निर्माण में जो श्रेय है। तो इस नाते से हम इन श्रमिकों के कल्याण और उत्थान के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। बहुत सी योजनाएं हमारे श्रम मंत्री जी ने आपको गिनाई हैं, मुझे सबकी उन योजनाओं की गिनाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं इतना ही बता सकता हूं कि बहुत बड़ा यह हिस्सा है हमारे समाज का, यानी जो एडल्ट हमारे समाज 18 साल से 60 साल की आयु के, ऐसा जो जानकारी हमारे पास है कि लगभग 61 लाख लोग ऐसे हैं जो आज भी हमारे जितने रजिस्ट्रेशन है उसके अंदर रजिस्टर हुए हुए हैं। अर्थात 61 लाख, मानो किसी घर से 2 होंगे, किसी से 1 होगा, किसी से 3 होंगे, सब मिलाएं तो ये 40 लाख परिवार बनते हैं। और हरियाणा की कुल आबादी 70 लाख है, कहा जाए तो आधे से ज्यादा परिवार हमारे श्रमिकों के परिवार हैं हरियाणा के आबादी के। इसलिए इनके कल्याण की योजनाएं, चाहे वो शिक्षा की हो, चाहे स्वास्थ्य की हो, चाहे वो उनके रोजगार से संबंधित हो, चाहे स्वावलंबन से संबंधित हो, जीवन के अंदर हमारी आर्थिक दृष्टि से भी जो चिंताएं होती हैं उसको दूर करने के लिए, सुविधाएं उनकी चिंता करने के लिए भी सब लोग आपके साथ खड़े हैं। समय समय पर जब भी कोई बात आती है उस समय हम इसमें पीछे नहीं हटते हैं। आज मुझे खुशी है, मैं प्रातःकाल अभी एक पीछे प्रदर्शनी लगी हुई है और मेरा निवेदन है इस कार्यक्रम की समाप्ति के बाद उस प्रदर्शनी को चाहे आधा घंटा घंटा आपको और लग जाए, लेकिन सब में आपके स्वास्थ्य की चिंता करने वाले जितनी भी संस्थाएं हैं, जितने भी उपकरण हैं, वो सब वहां लगे हैं। इसलिए उनको सबको देख करके आपको आना चाहिए। हम लोग जो गरीब परिवार हैं, आखिर जिनके पास अभी श्रम करने का भी शायद असंगठित इस नाते से छोटा मोटा काम तो करते होंगे, लेकिन श्रम करने का भी अवसर उनको मिला नहीं है, अपना कोई रोजगार वो कर नहीं पाए हैं, कहीं उनको प्राइवेट भी नौकरी मिली नहीं है, सरकारी नौकरी उनको मिली नहीं है। हमने उनकी पहचान करके और पिछले वर्ष 1 लाख आय साल की, जिससे इससे जिनकी कम है, ऐसे लगभग 2.5 लाख परिवारों को हमने छांटा है। उन 2.5 लाख परिवारों को अंत्योदय रोजगार मेले ब्लॉक के अनुसार लगाए हैं, लगभग 550 मेले लगे हैं। और उसमें हमने तय किया कि 1 लाख ऐसे परिवार जिनको कोई रोजगार, चाहे नहीं तो पशुपालन, नहीं तो मधुमक्खी पालन, नहीं तो छोटा उद्योग, नहीं तो सेल्फ हेल्प ग्रुप में वो लग जाए, उनकी बहनें माताएं हमारी जो हैं उनके अंदर जाकर मेंबर बन जाए, किसी तरीके से इनके परिवार की आय कम से कम 1 लाख से 2 लाख हम कैसे कर सकते हैं, ताकि गरीबी रेखा से भी ऊपर ही उठ करके अपना जीवन यापन कर सकें। तो इस काम को हम कर रहे हैं। अभी तक 30,000 लोगों को रोजगार दिलाने में हमको सफलता मिली है। इस काम को लगातार हमने चालू रखा हुआ है, इसको हम और आगे बढ़ाएंगे। हमारे बच्चों की शिक्षा के लिए भी बहुत योजनाएं आपको बताई हैं। एक ही चीज आपको बताता हूं कि उच्च शिक्षा के लिए भी, चाहे इंजीनियरिंग है, मेडिकल कॉलेज है, इस प्रकार भी बच्चों की ट्यूशन के लिए हमने 20,000 महीने की बच्चे की व्यवस्था की हुई है। अगर श्रमिकों के बच्चे ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं, अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ना चाहते हैं
और वो कहीं अच्छी नौकरी के लिए काम करना चाहते हैं तो उनको हम जो 20,000 रुपया महीना यहां तक भी व्यवस्था देते हैं। दिव्यांग और श्रमिक जो हमारे श्रमिक हैं, दिव्यांग बंधु हैं, उनकी पेंशन 3,000 रुपया मासिक ये मैंने पहले से तय कर रखी है। आज एक घोषणा मैं कर रहा हूं कि श्रमिक परिवारों के जो सदस्य हैं उनमें कई प्रकार की बीमारियां जो होती हैं, वैसे तो सब कैशलेस हमारी व्यवस्था सब बनी है, हमको दवाई मुफ्त मिलती है, हमारे टेस्ट मुफ्त होते हैं, इलाज का कोई पैसा लगता नहीं है। जितने हमारे एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स हैं, ईएसआई है अथवा सरकारी अस्पताल हैं, उन सब में व्यवस्था होती है। लेकिन एक जो नई चीज आज मुझे कहनी है, मैं प्रातःकाल एक कार्यक्रम में गया था, वहां मुझे कुछ बच्चे ऐसे मिले जिनको थैलेसीमिया का रोग था। अब थैलेसीमिया का रोग जीवन भर ये बहुत तंग करता है अलग अलग स्टेजेस में, तो जो वहां मैंने घोषणा की वो आपके सामने बता रहा हूं। हर थैलेसीमिया चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, उस पेशेंट के रोगी के परिवार को उसकी देखरेख करने के लिए 2,500 रुपया मासिक ये उनको दिया जाएगा, चाहे वो बोर्ड की तरफ से दिया जाए चाहे श्रम विभाग की तरफ से दिया जाए, लेकिन ऐसे परिवारों के लिए उनकी देखरेख के लिए 2,500 रुपया महीना ये हम उसमें से देंगे। हमने एक काम और किया है, हालांकि वो इस समय मुझे चर्चा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, लेकिन क्योंकि सर्वविदित है इसलिए करने में हर्ज नहीं है। हम चाहते हैं कि हरियाणा को कोई भी नौजवान ये बेरोजगार न रहे। तरह तरह की हम स्कीमें बनाते हैं, उनको स्वरोजगार की तरफ आगे लेके जाते हैं, उनको कोऑपरेटिव सोसाइटीज में काम मिले इसके लेके जाते हैं, वो अपनी पढ़ाई लिखाई कौशल के माध्यम से अपना कोई रोजगार करते हैं, प्राइवेट नौकरी में जाते हैं, ये हम करते हैं। जहां तक प्राइवेट नौकरी में हरियाणा के युवक को उद्यमी हमारे थोड़ा सा सहयोग करें, उसके लिए हमने एक सीमा भी तय की है कि भाई हम हरियाणा का अगर आदमी आपको बेरोजगार मिलता है तो पहले उसको आप लगाओ, आपको न मिले जहां से जो आता है उसको हम ले सकते हैं। अब प्रवासी बंधु हमारे कहते हैं फिर हमारे बच्चों का क्या बनेगा। हमने उनके लिए कहा कि जो प्रवासी भाई बाहर से आकर के यहाँ काम कर रहा है और अगर 5 साल उसको हो गए हैं यहाँ रहते हुए अपना काम करते हुए, उनके बच्चे भी अगर इस श्रेणी में आप लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं, ताकि उनके बच्चों को भी इधर ना देखना पड़े ना ताकना पड़े। तो इसलिए ये भी हमने व्यवस्था यहाँ की है। कोविड के समय की बात जरूर मैं करना चाहूंगा कि कोविड में एक भयंकर जब स्थिति बनी थी और श्रमिक भाई उसमें सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे। उद्योग बंद हो गए, श्रमिकों को काम नहीं था और कहीं थोड़ा भय का वातावरण बन गया कि कोविड के कारण से पता नहीं जिंदगी बचेगी कि नहीं बचेगी, और उस समय एक माहौल असमंजस का बन गया था कि यहां की बजाय चलो अपने वापस अपने घर जाते हैं, अपने प्रदेश में जाते हैं। बहुत बड़ा एक उस समय ये भयंकर वातावरण बना था, हमने उसको भी संभाला। हमने क्या किया कि सबसे पहले तो ऐसे लोग जो घर जाने के लिए आतुर थे, साधन नहीं मिल रहे थे, उनके लिए हमने आश्रय स्थल टेम्परेरी कैंप्स लगाए, भोजन की मुफ्त व्यवस्था कराई और उनकी जो भी कोई मेडिकल देखभाल वो हमने सब की, बाद में उनको साधन भी उपलब्ध कराए, बसें उपलब्ध कराई। लगभग 6,500 बसों के यहां से गेड़े लगे थे। ट्रेन स्पेशल हमने भेजी हरियाणा से, 100 ट्रेन स्पेशल इनसे किसी से किराया नहीं लिया गया, स्पेशल हम उन्होंने प्रदेशों में भेज करके आए। और वहां के प्रदेशों के श्रमिक जब वहां गए उन्होंने भूरी भूरी प्रशंसा की कि हरियाणा सरकार ने हमारी बहुत मदद की है। और उन श्रमिक परिवारों को साप्ताहिक 1,000 रुपया देने की बात ये भी उस समय मैंने कही की थी कि जब तक उसका काम दोबारा नहीं होता, लगभग 4 महीने 5 महीने तक लगातार वो भी हम देते रहे। धीरे धीरे उद्योग पुनः खुल गए, चालू हो गए, श्रमिक वो जो नहीं काम जिनको पास था वापस चले गए, जो वापस घरों में चले गए थे वो भी वापस आए। और आज प्रभु कृपा से और हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी की जो योजनाएं उस समय थी, प्रत्यक्ष जनता के साथ रूबरू होकर के जो नए नए उन्होंने पग उठाए, आज कोविड से भी हम प्राय प्राय फ्री हो गए हैं, आज हमारा हर उद्योग चालू हो गया है और जो श्रमिक हमारा वापस गया था सबके सब वापस आ गए हैं, एक बहुत बढ़िया संतोष की बात है। इसके लिए आप लोगों को भी जो आपने साहस दिखाया, आपको बहुत बहुत उसके लिए आभार प्रकट करता हूं मैं। भाइयों बहनों, हमारे जो स्वास्थ्य की चिंता करने वाले, एक दो बातें बता करके, जैसे ईएसआई एक हमारे लिए श्रमिक विभाग के नाते से हमारे लिए स्वास्थ्य की व्यवस्था करने वाला डिपार्टमेंट ईएसआई है। जब हमने श्रम मंत्री, जो केंद्रीय मंत्री ईएसआई का काम देखते हैं, हमारे श्रम मंत्री लेबर मिनिस्टर, उनसे मेरी बात हुई तो मैंने कहा कि भी हम लोग आपस में हरियाणा स्वास्थ्य विभाग और ईएसआई क्यों नहीं एक समझौता कर लेते
कि श्रमिक केवल ईएसआई में जाएगा, बाकी जगह नहीं जा सकता। हम उसके रास्ते स्वास्थ्य विभाग की डिस्पेंसरी, पीएचसी, सीएचसी, उन सब के लिए खोल देते हैं। और ऐसे ही निकट कहीं ईएसआई की डिस्पेंसरी है, और शायद हरियाणा सरकार का कोई डिस्पेंसरी स्वास्थ्य विभाग की थोड़ी दूर है, सीएचसी दूर है, उसको लगता है कि मैं ईएसआई में जाकर के भी अपना इलाज करा सकूं। व्यक्तिगत भेद नहीं होना चाहिए, इधर से उधर, उधर से इधर व्यवस्थाएं सरकार की हैं। एक केंद्र सरकार चलाती है, एक प्रदेश सरकार चलाती है, हम क्यों नहीं उनको साझा करें कि जिसने जहां जाकर इलाज करा सके वो मान गए, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। अब ईएसआई में जाने वाला कोई व्यक्ति स्वास्थ्य विभाग किसी डिस्पेंसरी में जा सकता है, और हरियाणा का कोई भी नागरिक जो श्रमिक नहीं है, जो शायद एंटाइटल तो ईएसआई में है लेकिन ईएसआई के बजाय हरियाणा सरकार के किसी अस्पताल से, डिस्पेंसरी से, पीएचसी, सीएचसी से इलाज कराना चाहे तो करा सकता है। आपस में समझौता करा दिया है, इसलिए एक बहुत बड़ी सुविधा। अभी जैसे 500 बिस्तर का नया मारेसर का ईएसआई अस्पताल चालू हो रहा है, और ईएसआई के जो अस्पतालों की जो अनुमति और मिल गई है, हिसार में, रोहतक में, अम्बाला में, सोनीपत में, इन सब स्थानों पर और ईएसआई अस्पताल नए बनेंगे। एक विषय जो बताना चाहता हूं, जिसके अभी पुस्तकों का विमोचन कराया गया, वो है व्यापार करने के सुधार, उद्योग के सुधार। आखिर उद्योग में हमारे जो श्रमिक भाई हैं, लेबर लॉज जिनको कहते हैं, उसमें सुधार। सारे देश में एक मुहिम चली है, हरियाणा में भी हमने जितने सुधार सुझाए गए हैं, 47 सुधारों में से 42 सुधार हमने लागू कर दिए मित्रों, 42 सुधार। 5 ऐसे बचे हैं, कानूनी छोटी मोटी अड़चने हैं, उन अड़चनों को दूर करके, चाहे वो श्रमिक के लिए हो, चाहे छोटे उद्योगपति के लिए हो, चाहे छोटे व्यापारी के लिए हो, इन सब सुधारों को हम ऑनलाइन लेके आए हैं। और जहां तक उद्योगों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का विषय है, जब से देश में व्यवस्था बनी है, हम पिछले 3 साल से टॉप के 3 प्रदेश इसके अंदर हम आए हुए हैं। आज हरियाणा देश और दुनिया के जितने निवेशक हैं, जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनका ये पसंदीदा स्थान जो है हरियाणा बना हुआ है। पिछले 8 साल में हमने जो परिश्रम किया, उसमें जो कभी हरियाणा में लोग आने से कतराते थे, लेकिन आज देश के जो टॉप 3 स्थान, चाहे वो गुजरात है, चाहे वो आंध्रा तेलंगाना है, चाहे वो कर्नाटक है, चाहे वो महाराष्ट्र है, वहां के मुकाबले में हरियाणा भी अब उसी बराबर में आके खड़ा हो गया है। आज दिल्ली के आसपास अगर कोई आना चाहता है तो सबसे पहले वो हरियाणा में आके उद्योग लगाता है। हरियाणा में इस प्रकार की सुविधाएं हम उद्योगपतियों को भी देते हैं, श्रमिकों को भी देते हैं, और कहीं भी कोई सुझाव आता है, लगता है कि हमारे हरियाणा सरकार के हाथ में है, आधी रात भी हम करने के लिए तैयार रहते हैं कि सुधार के लिए हम करने के लिए तैयार हैं, लोगों को इसका लाभ मिलना चाहिए। किसी प्रकार का कोई आपका सुझाव होगा उसको हम तुरंत करेंगे। हमने नए जो नौजवान हमारे हैं, शिक्षा के साथ साथ स्किलिंग का काम भी हम कर रहे हैं, उनका हुनर का विकास। और संयोग देखिए, हुनर के मालिक क्योंकि भगवान विश्वकर्मा हैं, हुनर सिखाने का जो हमारा संस्थान है, जिसको हमने कौशल विश्वविद्यालय पलवल में जो खोला है, हमने निर्णय किया जिसका नाम भगवान विश्वकर्मा के नाम से होगा, भगवान विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय। ये आज पलवल के अंदर खुल चुका है, देश का ये पहला विश्वविद्यालय मित्रों। इसलिए कौशल के नाते से एक बहुत बड़ा विषय हमने किया है। मैं विषय तो बहुत हैं, लेकिन हमारे डिपार्टमेंट ने पिछले कुछ दिनों में बैठकें की, हमारे जो श्रमिक जो संगठन है उनकी ओर से भी समय समय पर सुझाव मिलते हैं, समय समय बैठकें होती रहती हैं, कई डिमांड उठाई जाती हैं, उसमें से कुछ नई घोषणाएं वो मैं जो आज आपके सामने रख रहा हूं, मुझे लगता है कि आपके हित में ये सब बहुत बड़ी घोषणाएं होंगी। उसके अंदर एक पहली घोषणा तो ये है कि जितने हमारे श्रमिक परिवार हैं, जो मैंने अभी 60 लाख बताए हैं, यहां संख्या थोड़ी ज्यादा बताई गई है, लेकिन 60 है 65 है जो भी हो, रजिस्ट्रेशन का विषय है। हाँ, इसके अंदर असंगठित श्रमिक की संख्या और ली गई है, तो सारे संगठित और असंगठित जितने भी श्रमिक हैं, उन परिवारों के लिए मुख्यमंत्री परिवार स्वास्थ्य परीक्षण योजना ये चलाई गई है कि किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य का, हेल्थ का जो टेस्ट है, उसका जो परीक्षण होगा, उसका जो एग्जामिनेशन होगा, उस टेस्ट में ENT टेस्ट है, ब्लड टेस्ट है, आई टेस्ट है, शुगर टेस्ट है, बीपी टेस्ट है, ECG आदि, ये जो सब टेस्ट हैं, ये सब के सब
साल में एक बार सभी श्रमिकों को ये लाभ जो है मिलेगा और ये निशुल्क होगा, इसके लिए कोई पैसा नहीं लगेगा। सभी श्रमिक साल में एक बार, उनके परिवार, न केवल श्रमिक बल्कि परिवार, एक बार ये सारे टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट, जो भी ईएसआई में भी इस व्यवस्था को लागू कराएंगे, हम केंद्र सरकार को कहेंगे और हरियाणा सरकार के जितने भी प्रकल्प हैं उन सब में भी इसकी व्यवस्था रहेगी। इसी प्रकार हमारी बहुत सी डिस्पेंसरीज है, ईएसआई की भी है, हरियाणा सरकार की भी है, लेकिन उसमें स्पेशली जो मैंने पहले बताया कि कहीं भी श्रमिक जाकर के अपना इलाज करा सकता है, उनको चिन्हित करके हमने इसमें 200 श्रमिक यानी 200 क्लिनिक को श्रम योगी क्लिनिक के नाम दिया है। श्रम योगी क्लिनिक, 200 क्लिनिक सारे प्रदेश में होंगी, जहां श्रमिक ज्यादा है वहां ज्यादा संख्या होगी, जहां थोड़े कम है, लेकिन हर जिला लेवल पर ये श्रमिक जो क्लिनिक्स हैं, बल्कि उससे नीचे सब डिवीजन लेवल पर भी ये सब कोई ना कोई जरूर होगी। तो ऐसे प्राथमिक जो स्वास्थ्य केंद्र हैं उनकी श्रमिकों की जांच के लिए ये जो श्रमजीवी क्लिनिक ये हमने शुरू की है। एम्बुलेंसेस, एक सामान्य एम्बुलेंस होती है, एक एएलएस जो एम्बुलेंस होती है जिसको एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस कहते हैं, उन्नत जीवन समर्थन एम्बुलेंस, अर्थात उसके अंदर केवल सामान्य एम्बुलेंस नहीं बल्कि कोई भी व्यक्ति को कोई रिस्क हो गया, किसी प्रकार का उसका सीरियस बीमारी है, तो उसके अंदर ही जो सारा विषय उसका जो फिट रहेगा, उसके टेस्टिंग का, लाइफ सपोर्ट की जितनी चीजें हैं उसमें, जीवन रक्षक एम्बुलेंस में कुछ दवाइयां भी होंगी, एक डॉक्टर भी होगा, और ये सब 100 की 100 ऐसी एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेज ये पूरे हरियाणा में रहेंगी। जहां भी इसकी आवश्यकता लगेगी वहां उसको बुलाया जा सकता है और पेशेंट को निकटतम अस्पताल में और वहां भेजा जा सकता है, ऐसी 100 ALS एम्बुलेंसेज। इसके अलावा सामान्य जांच के लिए जैसे एक्सरे है, आंखों की जांच है, कान से थोड़ा सुनने में कठिनाई है, फेफड़े की जांच है, बीपी है, वजन है, इस प्रकार के श्रमों की सहायता के लिए इसके लिए अलग से 44 मोबाइल मेडिकल वैन, एक्सरे मशीन समेत फिट होकर के ये 44 मोबाइल एक्सरे मोबाइल वैन, मोबाइल यानी स्वास्थ्य वैन, मेडिकल वैन, इनको भी चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना जिसका जिक्र मैंने किया, जिसके कैंप लगाए गए हैं, वहां कोई काम करने के लिए नौजवानों से कई बार बैंक लोन लेने में दिक्कत, देने में दिक्कत करता है, उनके जो गारंटी मांगी जाती है, तो श्रमिक परिवार से अगर कोई ऐसा नौजवान होगा जो अपने काम करने के नाते से बैंक से लोन अपेक्षा करता है, तो उसकी जो गारंटी है वो गारंटी अब किसी को देनी नहीं पड़ेगी, बल्कि इस ऋणों के लिए जो बोर्ड है हमारा, भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड, उनके परिवारों का कोई आदमी जाता है तो उसकी गारंटी ये हमारा श्रमिक अन्य श्रमिक बोर्ड जो है, भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड, ये बोर्ड उसकी गारंटी लेगा और उनको सीधा सीधा लोन मिल सकेगा। मित्रों, हमारे जो मजदूर प्रवासी मजदूर हैं, खास करके असंगठित मजदूर हैं, संगठित मजदूरों के लिए तो बीमा की योजनाएं हैं, काम करते हुए मृत्यु हो जाए तो उसको पैसा मिलता है, लेकिन असंगठित जो मजदूर हैं उनको मिलता तो उनका भी है लेकिन उनकी राशि बहुत कम ऐसी लगती है। तो उस राशि को बढ़ाने के लिए हमने विचार किया है कि अभी तक जो 2.5 लाख रुपया ऐसी मृत्यु, कार्यस्थल पर रोजगार करते समय मृत्यु होती है असंगठित लेबर की, वो जो 2.5 लाख रुपया का प्रावधान है इसको बढ़ा करके 4 लाख रुपया किया जाता है। अच्छी नहीं लगी क्या? लगी है। भगवान न करे ऐसे किसी के कोई दिन आए कि किसी की मृत्यु हो, लेकिन आखिर आखिर परिवार की सामाजिक सुरक्षा ये बहुत जरूरी है, तो इस नाते से इस बीमा योजना को हमने बढ़ाया है। विकलांगता के पर भी ऐसे असंगठित परिवार हैं जिनकी विकलांगता का पैसा जो पहले 50% तक 75,000 रुपया मिलता था उसको 1.5 लाख रुपया कर दिया है, 51 से 75% 1 लाख था उसको 2 लाख किया है, और 76% या इससे ऊपर विकलांगता हो जाती है तो पहले जो 1.5 लाख था उसको 3 लाख रुपया किया जाता है, अर्थात हर प्रकार की सहायता इसमें डबल कर दी गई है। मित्र, जो विकलांग बच्चों की सहायता 2,500 रुपया प्रतिमाह पहले जो दी जाती रही है अब उसको 3,000 रुपया किया जाता है, यह भी एक उसमें वृद्धि, जो 20% की वृद्धि ये की जाती है। खाने पीने की कैंटीन एक बहुत अच्छा सफल प्रयोग है कि ऐसे श्रमिक जिनको शायद घर में भोजन
बनाने में, या कई बार अकेला होता है परिवार में, उसको समय भी नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए हमने कैंटीन की जो व्यवस्था की थी, जिसको अंत्योदय आहार योजना हमने कहा। इस अंत्योदय आहार योजना की पहले चरण में 10 कैंटीन चलाई गई थी। बहुत अच्छा ये प्रयोग है। 10 रुपया इसमें मजदूर को देना पड़ता है, बाकी डिपार्टमेंट जो है 15 रुपया उसको सब्सिडाइज करता है। 25 रुपए का खाना 10 रुपए में दिया जाता है। इन क्षेत्रों में श्रमिकों को बहुत उसका लाभ हुआ है। हमने आज ही कहा है कि इस योजना को विस्तार करके हरियाणा में 100 कैंटीन ऐसी बनाई जाएंगी, ताकि श्रमिकों को और इस प्रकार की कई कठिनाई आती है वो ना आए। तो ऐसी जो कुछ योजनाएं हैं, इन योजनाओं के बारे में आपको बताया है। अंत में मैं आपको सबको, खास करके जो सम्मानित होने वाले हमारे जो श्रमिक हैं अथवा उद्यमी हैं, इन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपको भी राष्ट्रीय हमारा श्रमिक दिवस और भगवान विश्वकर्मा जी के जन्म दिवस की, और विशेष करके अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी। राजकीय श्रमिक दिवस के माध्यम से आपने त्योहारों का सीजन शुरू होने से पहले ही हमारे श्रमिक भाई बहनों के लिए जो अनुपम उपहार दिया है, पूरे प्रदेश की जनता की तरफ से आपका तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। तो यहां पर आप देख रहे थे, सुन रहे थे, राजकीय श्रमिक दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पहुंचे हुए थे विश्वकर्मा जयंती पे। तो इस मौके पर यहां पर गुरुग्राम की सेक्टर 29 में कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री ने यहां पर संबोधित करते हुए कई बड़ी घोषणाएं की हैं। थैलेसीमिया के रोगियों के परिवारों को 2500 रुपये महीना देने की घोषणा की गई है। मानेसर में 500 बेड का ESI हॉस्पिटल शुरू हो रहा है, और साथ ही हरियाणा में उद्योग लगाने की भी होड़ लगी हुई है। श्रमिकों के लिए श्रम योगी क्लिनिक खोले जाएंगे, ताकि उन्हें आसानी से वहां पर इलाज मिल सके। 44 स्वास्थ्य मोबाइल वैन शुरू की जाएंगी। मूलभूत सुविधाओं से लैस 100 लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस भी शुरू की जाएंगी। श्रमिकों के लिए खोले जाएंगे श्रम योगी क्लिनिक,